मजनू। हाँ भाई। आज मैं तुझे एक ऐसी अद्भुत चीज के बारे में बताऊंगा जिसे हर आदमी करना चाहता है, करता भी है और करने के बाद सोचता है ये मैंने क्यों किया। बता कौन सी बात भाई? सेक्स? अबे शादी की बात कर रहा हूँ, थर की बुद्धि। तुझे पता है इंडिया में लोगों की शादी नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि कोई आधा नंगा बदबूदार बालों वाला साधु बाबा लड़का या लड़की के घर वालों से ये कहकर जाता है कि आपकी बेटी मांगलिक है, मंगल है आपके बेटी को। अब मुझे ये बता, शादी लड़की की हो रही है लड़के के साथ, सुहागरात में मजे भी ये दोनों लेंगे, तो बेचारे मंगल ने क्या पाप किया है बे? ये नासा वाले भी इसलिए मंगल पे नहीं जाते कि उनकी बेटियों की शादी ना रुक जाए। फिर मैंने सुना लड़के का शनि भारी है, अब मंगल छोड़ दिया बेचारे शनि के पीछे पड़ गए ये भोपारी के। तुझे क्या लगता है ये प्लूटो को ग्रह मंडल से हमने निकाला? ना ना ना, उसने तो खुद ग्रुप लेफ्ट किया है। उसको लगा ये चूतिए पृथ्वीवासी मेरे को ना बीच में घसीट ले, क्या पता कल कोई बोलेगा लड़की की चाची पर प्लूटो भारी है। थोड़े दिनों में बाकी के मेंबर्स भी ग्रुप लेफ्ट करके चले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बेला इंसान ये वीडियो देख रहा है जो जिंदगी में जीवन साथी ढूंढने की जंग हार चुका है क्योंकि वो मांगलिक है या उस पे प्लूटो का प्रकोप है, चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं लाऊंगा तुम लोगों के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते। हेलो, आई एम विष्णु एंड आई एम ओनली 55 इयर्स ओल्ड। नहीं, ओनली 55 इयर्स क्या होता है बे? जब से ये टॉम क्रूज 55 का हुआ है तब से हर बुड्ढा अपने आप को टॉम क्रूज समझने लगा है। दो आइडियली आई वुड लाइक टू मैरी ए वुमन यंगर देन मायसेल्फ बिकॉज़ यू सी I am very young at heart and other body parts too. है। चाचा के दिए में तेल तो बचा नहीं, आग अभी भी लगी हुई है। I was a captain of my खोखो team and was state third runner up. वाह वाह वाह, achievements तो देखो बंदे की, खोखो में third runner up जिसमें सिर्फ चार बंदे खेल रहे थे। I was the champion of champion in my merit, in debate and extra other सर्कुलर एक्टिविटीज। सर्कुलर नहीं, करिकुलर एक्टिविटीज होता है भोसड़ी के। शक्ल से तो गांजा फूकने का चैंपियंस ऑफ चैंपियन लग रही है। हेलो, माय नेम इज आशा, बट द बॉय शुड नॉट हैव एनी आशा फ्रॉम मी। नहीं, तेरे से कोई आशा नहीं रखेगा तो बच्चा क्या पड़ोसन से पैदा करेगा क्या? इफ ही वांट्स चाइल्ड इट शुड बी नॉट फ्रॉम मी बिकॉज़ आई एम नॉट अ डिलीवरी गर्ल। वाह वाह वाह, इसको जब पति पूछेगा बेबी चलो बच्चा पैदा करते, आई एम नॉट अ डिलीवरी गर्ल। हां तो गूगल से डाउनलोड कर लेते ना, डिलीवरी का कोई टेंशन ही नहीं। बैंचो, We seek aliens for our boy. क्या? We seek aliens for our boy. नहीं, मुझे ये तो पता था कि लड़कों को आसानी से शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, लेकिन इतनी भी क्या चुल मची थी, एलियंस को रिश्ता भेज दिया सालों ने। जब ऐसी वेबसाइट से आपका माल बिक जाता है तब आती है सगाई। अब सगाई में क्या होता है? दूल्हा दुल्हन मिलके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स खेलते। भाई मैं समझा नहीं। अरे सगाई मतलब एक दूसरे को रिंग पहना के रिजर्वेशन सीट बुक कर लेना ताकि कोई और यात्री आके अपना सामान न छोड़ जाए। फिर सगाई के बाद दूल्हा दुल्हन फोन पे बातें करते करते ऐसे सपने सजाएंगे जो जिंदगी में घंटा पूरे होने वाले। शादी करेंगे चांदनी चौक में, हनीमून को जाएंगे मारुति एस में। भाई मारुति एस नहीं, मॉरिशियस होता है वो। साला स्पेलिंग में तो टी लिखा है, फिर मारुशियस कहाँ से हुआ बे? कुछ भी करने का, मेरे अंग्रेजी का ईगो हर्ट नहीं करने का। पूरा पचास भाई पता है 50 मार्क्स थे इंग्लिश में आपको, क्यों अपनी इमेज डाउन करा रहे हो बता बता के? फिर आता है वो मनहूस शादी का दिन जिसमें बकरा और बकरी को हलाल किया जाता है। हर शादी में हजारों बाराती आते हैं और हजारों बारातियों के लिए सिर्फ दो टॉयलेट्स होते हैं शादी में, जिसके बाहर लंबी लाइन लगी होती है, जिसमें एक चूतिया अंकल होता है जो हर आदमी से पूछेगा कौन गया, कौन है अंदर? नहीं, इसे करना क्या है जानकर कौन गया है? साला जैसे इसको नाम बताए तो इसको मालूम हो जाएगा रमेश है तो टाइम लगाएगा, सुरेश है तो जल्दी आएगा, और अगर कमलेश है तो लूज मोशन। फिर शुरू होती है शादी की मंगल अष्टिका जिसमें लोग एक दूसरे को बिना वजह चावल फेंक के मारते। साला शादी उन दोनों की हो रही है, मुझे चावल फेंक के क्यों मारेंगे बे? साला नेक्स्ट टाइम मुझे एक भी चावल लगाना, माँ कसम पत्थर फेंक के मारूंगा। कंट्रोल भाई कंट्रोल। फिर आती है जूता चुराई। इस चूतिया रसम का इन्वेंशन सूरज बरजातिया नामक भोसड़ी वाले ने 1990 में किया था, लेकिन उस मूवी में दूल्हे की साली माधुरी दीक्षित जैसी कमसिन कली थी, और यहाँ साला मार्क हेनरी जैसी सालिया मारपीट करके जूता चुरा के लेके जाती है। बोलो, इस रसम का नाम जूता चुराई नहीं चूतिया कटाई होना चाहिए था। ये जो पंडित होता है ना, ये शादी में सबसे किस्मत वाला बंदा होता है। एक अलग लेवल का स्वैग होता है इसमें, मतलब वो कैसे भी कपड़े पहन के आए या फिर नंगा आए कोई जज नहीं करेगा इसे। दूसरा, वो सबके ऊपर हुकुम चला सकता है, दूल्हे के मामा को बुलाओ, दुल्हन की मामी को बुलाओ,
अग्नि में 100 किलो तेल जलाओ, मेरा पिछवाड़ा खुजाओ, और वो इन चीजों के पैसे भी लेता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इतना स्कोप नहीं मिलेगा जितना पंडित इंजीनियरिंग में मिलता है। फिर अचानक से हम एक अंकल के साथ टकरा जाते हैं जो हमेशा शादी की गलतियां निकालेगा। अरे चाचा क्या हालचाल? ये क्या है ये, इसे शादी कहते हो तुम लोग? वो दुल्हन का मामा फकीर साला बारात में दूसरों के फेंके हुए पैसे उठा के फिर से उड़ा रहा था। वो दुल्हन की शक्ल देखी, पूरी लाल लाल लंगूर की पिछवाड़े जैसी तो शक्ल है उसकी। उसकी माँ ने क्या चिंपांजी से शादी की थी क्या? वो दुल्हन का भाई देखा, आदिवासी जैसी तो शक्ल है उसकी। मैं हूँ दुल्हन का भाई। अब हाँ तो इधर क्या कर रहा है? जा ठंडा लेके आ जा, लड़के वालों से जबान लड़ाता है। ये क्या पानी है क्या? कितना फीका कलर है इसका, ऐसा पानी होता है क्या कभी? हमारे जमाने में तो कलर वाले पानी होते थे। हाय गाइस, मैं हूँ आपका एंग्री प्रैश, और मुझे आपको ये बताने में बहुत ही आनंद हो रहा है कि अपनी एंग्री आर्मी 1 मिलियन की हो चुकी है। एक साल पहले मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साल बाद इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। ये सब आपके प्यार के वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे वीडियोस को प्यार देते रहेंगे और अपनी एंग्री आर्मी को पूरे यूट्यूब में ऐसे ही फैलाते रहेंगे। और एक बात, मैंने एक नया गेमिंग चैनल चालू किया है जिसका नाम है प्रैश गेमिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर लाइव गेमिंग करने वाला हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।